महादेव का अर्थ है देवों में सबसे महान, इसलिए हम उन्हें देवों के देव भी कहते हैं। भगवान शिव पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वोच्च भगवान है, ना ही उनकी कोई शुरुआत है ना ही उनका अंत। महादेव जब भी कोई निर्णय लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, और अगर कोई उनके सच्चे मन से भक्ति करे तो वो मन चाहा वरदान उसे देते हैं। ऐसा ही कुछ अग्निदेव के साथ भी हुआ था जब वो अत्यधिक जिम्मेदारी चाहते थे। भगवान शिव अपने भक्तों को एक अवसर देते हैं उनके उद्धार के लिए। ऐसे ही कुछ हुआ था जब उन्होंने अग्निदेव को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया था, परंतु अग्निदेव ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। और यदि भगवान शिव आपको वरदान दे सकते हैं तो वो आपसे वरदान वापस ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि फिर कैसे महादेव ने अग्निदेव को रोका और संसार में संतुलन बनाया। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें और बोलें हर हर महादेव। तो कहानी आरंभ करते हैं। जब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति के पद से हट गए थे, ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्निदेव को देवताओं के सेनापति के रूप में स्वीकार किया था। अग्निदेव ने कैलाश पर जाकर दोनों का आशीर्वाद भी लिया था ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से कर पाए। परंतु जैसे ही अग्निदेव कैलाश से जाते हैं तो महादेव माता पार्वती को बताते हैं कि यदि अग्नि अच्छी है तो ये बहुत अच्छा है, परंतु अगर अग्नि में यदि कोई दुष्भावना आ जाए तो ये विध्वंस मचा सकती है। जब अग्निदेव देवलोक पहुंचे तो इंद्रदेव और बाकी सभी देवता सभा में उपस्थित थे, और अग्निदेव वहां पर देर से पहुंचे। और जब इंद्रदेव ने उनकी देरी का कारण पूछा तो उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि वो अपनी इच्छा के अधीन है और उनके पास अपनी ही रणनीति है बाणासुर से लड़ने की। उस समय देवताओं का युद्ध बाणासुर से चल रहा था जिसे महादेव ने वरदान दिया था। बाणासुर को शिवजी का वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई संकट आएगा तो वह उसकी रक्षा करेंगे, और साथ ही उसे गज समान भुजाओं का भी वरदान था जिससे उसकी शक्ति अत्यधिक हो गई थी, और बाणासुर को अपनी शक्ति पे बहुत अभिमान था। और ऐसे में अग्निदेव सेनापति बन के देवताओं को बहुत परेशान कर रहे थे। ऐसे में बृहस्पति को क्रोध आया और उन्होंने अग्निदेव को अभिमान त्यागने को कहा, परंतु अग्निदेव ने उनसे कहा कि वो स्वयं महादेव के आदेश से सेनापति बने हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद अग्निदेव पुनः कैलाश पर जाते हैं और महादेव से पूछते हैं कि वो अपने निर्णय स्वयं क्यों नहीं ले सकते। इसके उत्तर में महादेव विनम्रता से कहते हैं कि इंद्रदेव देवराज हैं, तो उन्हीं के आदेश पर अग्निदेव को चलना होगा और संसार का कल्याण करना होगा। इससे अग्निदेव क्रोधित हो जाते हैं और महादेव पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगा देते हैं। अग्निदेव महादेव को कहते हैं कि वो कार्तिकेय और उनमें अंतर करते हैं, परंतु सत्य तो कुछ और ही था। और महादेव अग्निदेव को विचार विमर्श करने को कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपने विचारों और सोच पर पाबंदी लगानी होगी, अन्यथा वो इसी से नष्ट हो जाएंगे। पर अग्निदेव वहां से चले जाते हैं स्वर्गलोक की ओर। अग्नि की शक्तियां और भी बढ़ गई थी और ऐसे में वो स्वर्गलोक में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इससे स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच जाती है और सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। और अग्निदेव अपने बचाव में कहते हैं कि महादेव ने उन्हें बस अपने विचारों को नियंत्रण में रखने को कहा है, अपनी शक्तियों को नहीं। और अभिमान में चूर अग्निदेव इंद्रदेव को चुनौती दे देते हैं और कहते हैं कि वो बस सेनापति बन के खुश नहीं है बल्कि उन्हें अब देवराज भी बनना है। ऐसे में गणेश जी को संसार में असंतुलन और अशुभता दिखती है। वो महादेव से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव समझाते हैं कि पांच तत्वों में से एक अग्नि नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अशुभता फैल रही है। इसके उपरांत अग्निदेव शांत नहीं होते और देवताओं को और परेशान करते हैं। फिर वो ऋषियों के पास जाकर उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें पूजा या यज्ञ करना है तो पहले अग्निदेव की पूजा करनी होगी। समस्त देवताओं में अग्निदेव को सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। ऐसे में सप्तऋषि भी महादेव से अग्निदेव की आलोचना करते हैं और महादेव का क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि अग्निदेव अब मनुष्य को सताने लगते हैं। रूप बदल कर महादेव अग्निदेव से युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। अग्निदेव इसे अपना अपमान मानते हैं और चारों ओर अग्नि से विध्वंस मचा देते हैं। ऐसे में महादेव कहते हैं कि अब अग्निदेव और बाणासुर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही अपने दिए गए वरदानों पर अभिमान कर सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। एक तरफ अग्निदेव अपनी भूल और अभिमान से समस्त सृष्टि को अपने से दूर कर रहे हैं और वहीं बाणासुर जिससे अग्निदेव लड़ने वाले थे वो श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ रहा है और उनसे युद्ध करने जा रहा है। तो शत्रु देव और असुर नहीं, शत्रु है इनका अभिमान। यदि ये दुष्भावनाएं ना हो तो सृष्टि का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ऐसे में कार्तिकेय उनसे युद्ध करने आते हैं, लेकिन कार्तिकेय को चकमा देकर अग्निदेव वहां से चले जाते हैं
फिर महादेव को क्रोध आ जाता है और वो अग्निदेव से युद्ध करने चल देते हैं, जिसके उपरांत अग्निदेव महादेव के आगे भी अभिमान दिखाते हैं। ऐसे में क्रोध में आकर महादेव अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और अग्निदेव की शक्तियां समाप्त करने लगते हैं। देवताओं के आभास होता है कि यदि अग्निदेव नष्ट हो गए तो पांच तत्वों से बनाया संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद वो वहां पहुंचकर महादेव का क्रोध शांत करने में लग जाते हैं। परंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं होता है। ऐसे में द्वारका में विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण महादेव की पूजा करने में लीन हो जाते हैं और इसी से महादेव का क्रोध शांत होता है। यहाँ पर महादेव ने अग्निदेव का अभिमान तोड़ा और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का, और दोनों हरि और हरा ने इस सृष्टि में संतुलन एक बार फिर से बनाया और धर्म की रक्षा की। अग्निदेव को अपनी भूल का आभास होता है और वो महादेव सहित सभी देवताओं और ऋषियों से क्षमा याचना करते हैं और देवताओं के सेनापति के पद से भी हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते और संसार के अच्छे के लिए उन्हें त्याग करना होगा। उन्हें समझ आ गया कि आपकी पूजा तभी हो सकती है जब आप त्याग कर संसार का भला करें, उसका विध्वंस नहीं। जिसके बाद ब्रह्मदेव यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और अग्निदेव इस शिवलिंग की पूजा कर महादेव को शांत रखते हैं। बाद में स्थान पर एक मंदिर भी बनाया गया था और ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि देव हो या असुर, अभिमान और द्वेष और कोई भी दुष्भावना किसी को भी हो सकती है। ईश्वर हमें अवसर प्रदान करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए और उसका आप या तो दुरुपयोग कर सकते हैं या फिर सदुपयोग। परंतु अधिक शक्ति किसी भी रूप में, चाहे वो पैसा हो, पावर हो या कुछ भी हो, और अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो ईश्वर जिस तरह से हमें वरदान दे सकते हैं तो वो छीन भी सकते हैं। संसार में जब भी असंतुलन बढ़ेगा ईश्वर आकर दंड देंगे। आपको ये सभी शक्तियां वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इनका सदुपयोग करें और संसार का भला करें। दुराचार फैलाने वालों का साथ भगवान कभी नहीं देते, चाहे आप उनकी कितनी भी पूजा अर्चना कर लें। किसी को सता कर और उन पर शक्ति प्रदर्शन कर आप उनको डरा सकते हैं, परंतु उनका प्रेम और सहानुभूति नहीं प्राप्त कर सकते, और यही शिक्षा हमें महादेव ने भी दी है। यदि अवसर मिले तो भगवान द्वारा दिए गए अपने वरदान से अपने भले के साथ साथ और लोगों या संसार का भी भला करें। उसके अभिमान में चूर होकर स्वयं को नष्ट ना करें। याद रखें, हमारे इच्छा और हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। हम इनसे निर्माण कर सकते हैं या स्वयं को नष्ट। निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि प्रभु से कुछ नहीं छुपा है। वे हर समय, हर घड़ी और हर जगह पर हमें देख रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव। इस कथा में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।